हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे हो आज हमारे सामने है मारुति जिमनी। अभी मारुति जिमनी का टॉप एंड मॉडल है जो कि अल्फा ऑटोमेटिक वाला जो हमें वेरिएंट देखने को मिलता है, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट है। तो आज की वीडियो में इसका प्राइसिंग एंड इसका पूरा वॉकआउट देने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या आपको ऑफरिंग देखने को मिलती है, जैसे कि देख पा रहे हो ऑटोमेटिक 4 स्पीड ऑटोमेटिक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसका प्राइस कुछ 15,05,000 आपको देखने को मिलता है एक शोरूम के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया। अब ऑन रोड आप देख सकते हैं अपनी सिटीज़ के हिसाब से टैक्सेस अप्लाई करके। तो अब सबसे पहले इसके बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में ये एज एन एसेसरी है, पर इसी की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ रही है बम्पर के ऊपर, बहुत ज़्यादा रगेड फिनिश आ रही है। एंड यहाँ पे आपको ग्रे कलर की फिनिशिंग में आपको ग्रिल देखने को मिलती है, साथ में क्रोम एलिमेंट्स के साथ। एंड साथ में आपको राउंड आपको हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं जो LED सपोर्ट करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जो इसके सेगमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता। उसके साथ नीचे हमें फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, पर फॉग लैंप्स हमें हेलोजन ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। अब जिमनी की बात करेंगे ना, थोड़े स्पोर्टी कलर्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कलर है, एक तरह का येलो कलर जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी स्टांस ऐड कर देता है। उसके साथ बात करते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में ये भी एज ए नेसेसरी पर हाईली रिकमेंड है, अगर आप लोग जिमनी ले रहे हैं इसकी आपको किट जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि आपके ओवरवेयर्स पे भी आपको देखने को मिलता है, तो इस एसेसरी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रगेड एंड बहुत ज़्यादा माचो लुक हमें देखने को मिलने वाला है। अलॉयस की बात करेंगे, इसमें आपको अंदर 15 इंची के अलॉय व्हील देखने को मिलता है, थोड़े छोटे आप कह सकते हैं। साइज़ देख सकते हैं 195/80R15, थोड़ा साइज़ छोटा है अलॉय व्हील्स का, बट डिसेंट है, इतने भी आपको छोटे नहीं लगते हैं। और जब आप ओवरऑल गाड़ी के स्टांस की बात करेंगे, क्योंकि गाड़ी के डायमेंशन ओवरऑल थोड़े से हमें छोटे देखने को मिलते हैं। वाटर बेडिंग के लिए भी हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है। रूफ आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। एंटीना आपको यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलता है, नॉर्मल फिनिशिंग में। एंड ओवरऑल रियर में जो हिंजेस को कवर करके रखा है, थोड़ा एक प्रीमियम टच लगता है, वेरस थार एंड ऑल में ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग रहती है। यहाँ पे आपको ऑल ब्रिक की बैचिंग देखने को मिलती है। एंड रियर में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं 4 पार्किंग सेंसर, ऑल ग्रिप की बैचिंग देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पे आपको अलॉय व्हील पे एक प्री इंस्टॉल्ड कवर देखने को मिलता है, जो अगेन सेगमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता, तो एक और अच्छा टच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, ट्रेडिशनली डोर ओपनिंग देखने को मिलती है। बूट देख पा रहे हो कि सफिशेंटली आपको स्पेस देखने को मिलता है, एंड बहुत अच्छा बूट ऑफर कर रहा है व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। जैसे महिंद्रा थार में तो बहुत ही कम हमें बूट स्पेस देखने को मिलता है, उस हिसाब से एक 5 डोर होने के बाद भी इतना डिसेंट बूट स्पेस, डिसेंट अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 लीटर्स के अराउंड इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए। अब गाड़ी के अंदर चलेंगे और उसके सारे फीचर्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो भाई अब गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे आपको इसके ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे हेडलाइट वॉचर्स के कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आपको MID जो है थोड़ा थोड़ा जिप्सी इंस्पायर्ड लग रही है, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए, पर बीच में आपको डिजिटल देखने को मिलती है। उसके साथ 180 तक की इसमें आपको टॉप स्पीड की मार्किंग देखने को मिलती है। अब अंदर जब सबसे पहले जो ओवरऑल अगर इंटीरियर की बात करेंगे, थार से ज़्यादा अपीलिंग इसका इंटीरियर लग रहा है, ड्यू टू इसका जो टच स्क्रीन यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको 9 इंचज़ का देखने को मिलता है, वैसे थार में आपको छोटी सी स्क्रीन देखने को मिलती है, एंड उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहा है। उसके साथ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जो थार में हमें देखने को नहीं मिलता। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टार्ट स्टॉप बटन की भी प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इधर 4x4 के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। एंड एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जो इसके पावर विंडोज़ हैं वो आपको डोर पैड्स पर देखने को नहीं मिलते हैं, आपको सेंटर में आपको देखने को मिलते हैं पावर विंडोज़ के कंट्रोल, जैसे थार में आपको देखने को मिलते हैं। एंड पर पीछे के जो पावर विंडोज़ कंट्रोल है वो आपको डोर पैड के अंदर ही देखने को मिलता है, बड़ी यूनिक सी प्लेसमेंट के साथ आपको देखने को मिलते हैं। एंड 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं, आपको फ्रंट 2 आपको देखने को मिलता है, साथ में फ्रंट 2 सीट्स में। एंड आपको जो इसके पिलर है उसमें भी आपको एयरबैग देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको एक हैंडी स्पेस देखने को मिल जाती है, एंड ग्लोव बॉक्स में भी। अब बात करेंगे ना थोड़ी यूटिलिटी स्पेसेस की, थार से ज़्यादा बेटर लग रही है, पर मारुति को यहाँ पे थोड़ा सा कवर करना चाहिए था, बहुत ज़रा रगेड फिनिश दे रहे हैं, वेर महिंद्रा थार बहुत ज़रा रगेड फिनिशिंग में आती है, पर इतनी भी रगेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही कारपेट छोड़ दिया है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था मारुति को ओवरऑल। अगर पर इंटीरियर डैश की बात करेंगे तो डिसेंट अच्छा आपको लग सकता है। एंड एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 3 डे नाइट RVM देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक RVM देखने को नहीं मिलता। अब चलते हैं गाड़ी के रियर स्पेस में एंड रियर स्पेस एनालाइज करेंगे। रियर सीटिंग स्पेस भी देख पा रहे हो, जो रियर लेगरूम है बहुत डिसेंट आपको देखने को मिलता है, मतलब बिल्कुल ही आपको डिसेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आगे बहुत ज़्यादा एडजस्टेड रहेगा, कोई टॉल पर्सन ड्राइव कर रहा होगा, तब भी एवरेज हाइट का पर्सन ईजिली बैठ सकता है, जैसे कि मेरी एक एवरेज हाइट है तो ईजिली बैठ सकता है। एंड हेडरूम भी आपको एम्पल देखने को मिल जाता है, एंड हेडरूम की थोड़ी बेटर ऑप्टिमाइजेशन की गई है, जो स्कूप्ड अप डिज़ाइन दे रखे हैं आपको रूफ लाइनर पे, आप देख पा रहे, इस वजह से थोड़ा हेडरूम भी मैनेज हो गया है। अगर पर यहाँ पे अगर सारी टोल पर्सन होंगे उनके लिए गाड़ी डेफिनेटली नहीं है। एंड रियर से भी सिर्फ ये 4 सीटर ही है, जैसे कि आप देख पा रहे, सेंटर में इनफ स्पेस नहीं है। एंड मारुति भी इसे 4 सीटर ही क्लेम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 4 सीट बेल्ट्स के आउटपुट देखने को मिलते हैं, तो मारुति भी इसे 4 सीटर की तरह ही क्लेम कर रहा है। तो यही था कि रियर था एक ओवरऑल वॉक अराउंड जिमनी का अल्फा ऑटोमेटिक वेरियंट का, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया। इसमें
इसमें एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें आपको यूवी कट ग्लासेस भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यही था एक छोटा सा वॉकआउट जिसमें मैंने आपको जिमनी अल्फा ऑटोमेटिक के बारे में बताया। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो। इसके बाद वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।